तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूके पीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज आपका जो कि मुख्य परीक्षा परिणाम जो कि आपका दिव्यांगजन का दिव्यांगजन श्रेणी जो कि पर राज्य प्रवल सिविल अभिनय सेवा द्वारा 2021 के अंतर्गत, तो दोस्तों ये आपका पीसीएस परीक्षा जो कि दिव्यांग श्रेणी वाले हमारे भाई बहन है उनका जो कि रिजल्ट जो कि आज जारी किया गया है। बाकी ये देख सकते हैं आप, मुख्य लिखित परीक्षा के लिए आपका 26-27 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें से दिव्यांग लोग जो कि इन इन पदों पर सेलेक्ट हुए। तो देख सकते हो आप, ये इतने पदों पर जो कि दिव्यांग श्रेणी के आज जो कि रिजल्ट जारी हो चुका है। तो देखिए, बाल और विकास इसमें भी ये चार तीन लोग, इसमें भी तीन लोग, और बाकी इसमें 12 लोगों का चयन हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप 22 मुख्य परीक्षा में सफल उक्त जन दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो कि अपना अभिलेख सत्यापन जो कि 22 अप्रैल को 2024 जो कि आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित की गई। तो दोस्तों 22 अप्रैल से आपका जो कि अभिलेख सत्यापन होगा, बाकी आयोग की वेबसाइट पर आपका यथासमय समय भी आपका जो कि दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे जिन दिव्यांग भाई लोगों का आज जो कि पीसीएस परीक्षा में जो कि चयन हो गया है। तो दोस्तों एक दूसरा रिजल्ट जो कि यूके पीएससी की ओर से आया है, तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देख सकते हो आपका जो कि पशु चिकित्सा अधिकारी का भी आज यूके पीएससी ने रिजल्ट दे चुका है पशु चिकित्सा अधिकारी को। बाकी इसकी देख सकते हो आप, कट ऑफ 369, अनागृत जो जनरल मेला 361, बाकी अनुसूचित जनजाति एसटी एससी 299, बाकी अनुसूचित जाति जो कि 283, बाकी एसटी की बात की जाए तो ये आपको, ओबीसी की बात की जाए तो आपका 339, ओबीसी महिला की बात की जाए तो 343, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि 338, आर्थिक रूप से महिला जो कि इसको, बाकी पूर्व सैनिक की बात तो इसमें पोस्ट ने डीएफएफ की 290, बाकी दिव्यांगजन की बात की जाए तो दिव्यांगजन का इसमें नहीं दे रखा है, बाकी इसमें ये ऑर्फन वालों की और जो अदर की 454 गई है। तो देख सकते हो दोस्तों आप, जो कि बाकी बताते हैं आपको इसका रिजल्ट। तो देखिए, तो बाकी दोस्तों ये आपका दिव्यांगजन जो कि इन 158 लोगों का जो कि अभिलेख सत्यापन 2021 फरवरी से आपका 2024 को आपका वो प्रदेश गोष्ठी प्रकार का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिलेख सत्यापन हेतु सूची निर्धारित की जाती। तो देखिए निम्न सूची है, 158 लोगों का इस पर चयन हुआ है, बाकी अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 23 अप्रैल 2024 से परीक्षा भवन लोक सेवा हरिद्वार में किया जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों सी जानकारी, बाकी इसके आंसर की भी आपकी पशु चिकित्सा अधिकारी के आंसर की आ चुकी है। बाकी आपका 23 अप्रैल को, बाकी पीसीएस वालों का 22 अप्रैल देर का है और इसका आपका 23 अप्रैल जो कि अभिलेख सत्यापन देर का है। तो दोस्तों ये दो छोटी सी जानकारी, मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।